हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ डेज वी आर स्टडीइंग अवर हिस्ट्री ग्लोरियस इंडिया, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास टेंथ, आरबीएससी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चोला की प्रशासनिक व्यवस्था। चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन द ग्राम पंचायत सिस्टम। चोला की प्रशासनिक व्यवस्था ग्राम पंचायत सिस्टम पे आधारित थी। टू फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और अच्छा और सुविधाजनक बनाने के लिए चोला किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू सिक्स प्रोविंसेस। चोला किंगडम सिक्स प्रांत में बटा था। विच वर नोन एज मंडलम, जिनको मंडलम कहा जाता था। कोट्टम वॉज द सब यूनिट ऑफ मंडलम, कोट्टम मंडलम की सब यूनिट हुआ करती थी। नाडु वाज़ अ सब यूनिट ऑफ कोट्टम, ग्राम एंड कुर्रम, नाडु कोट्टम ग्राम एंड कुर्रम की सब यूनिट हुआ करती थी। इन इंस्क्रिप्शंस द असेंबली ऑफ नाडु हैज़ बीन कॉल्ड नत्तर, जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें नाडु सब यूनिट को क्या कहा जाता था, नत्तर। एंड द यूनिट्स ऑफ टाउन, तो ये जो गांव की यूनिट होती थी इसे नत्तर कहते थे। एंड द यूनिट ऑफ टाउन हैज़ बीन कॉल्ड नगरत्तर। ओके, ग्राम्स की, विलेजेस की जो सब यूनिट होती थी उसे नत्तर कहते थे। एंड टाउन्स की जो सब यूनिट होती थी उसे नगरत्तर कहते थे। विलेज रिप्रेजेंटेटिव वर रेगुलरली अपॉइंटेड एवरी ईयर, जो गाँव के प्रतिनिधिकर्ता होते थे, विलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनका चुनाव, उनकी नियुक्ति हर वर्ष होती थी। एवरी मंडलम वॉज फुल्ली इंडिपेंडेंट, प्रत्येक मंडल पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। बट देयर वॉज नो सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रेजेंट टू कंट्रोल द पावर ऑफ द किंग, लेकिन कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रेजेंट नहीं था जो राजा की पावर को कंट्रोल करता, नियंत्रित करता। About 1/6 of land produce was received by the king in the form of लागान, लगभग छठा हिस्सा किसे मिलता था, किंग को, राजा को, किस स्वरूप में, लगान के तौर पे। This लगान could be paid in the form of grain or gold coins, और इस लगान को आप दो तरीके से दे सकते थे, या तो आप गोल्ड coins दे सकते थे अथवा अनाज दे सकते थे। ओके, मीन्स इस कर को, इस लगान को दो रूपों में अदा किया जाता था, चुकाया जाता था, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन और ग्रेन्स। द गोल्ड कॉइन्स विच वर सर्कुलेटेड ड्यूरिंग द चोला पीरियड वर कॉल्ड कासू, चोला पीरियड के दौरान सोने के सिक्के चलाए गए, ड्यूरिंग द चोला पीरियड, व्हाट वाज द नेम दैट कॉइन्स, कासू। ओके, एंड इट वेग्ड 16 ounce, इनका वजन, इनका भार कितना होता था, 16 ounce का होता था। अलॉन्ग विद द लार्ज मिलिट्री पावर द चोला किंग आल्सो पोजेस्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, एक बहुत विशाल मिलिट्री के साथ साथ इनके पास एक बहुत बड़ी विशाल नौसेना भी हुआ करती थी। चोला किंग्स initiated various larger irrigation schemes and built many roads, जो चोल राजा हुए हैं उन्होंने जो सिंचाई की बहुत बड़ी 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 क्या है, स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको शुरू किया है, और कई सारी में built many roads, रोडें बनवाई। चोला आर्ट, द चोला प्रमोटेड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द पल्लवा, चोलों ने किसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल था किसको प्रमोट किया, किसको आगे बढ़ाया, पल्लव्स की, पल्लव की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थी, स्थापत्य कला थी, उसको आगे बढ़ाया। वेरियस फीचर्स ऑफ द्रविड़ियन चोला टेंपल, जो द्रविड़ियन चोला टेंपल हुए हैं उनकी कुछ अलग अलग विशेषताएं थी। द बेल मेटल स्टेचूज ऑफ नटराज शिव बिल्ट ड्यूरिंग चोला पीरियड आर रिगार्डेड टू बी द बेस्ट,
चोलों ने क्या बनवाई है? बेल मेटल स्टैचू ऑफ नटराज, ये शिव का एक स्वरूप है जिसको आप नटराज कहते हैं। ये चोला पीरियड में ही बनवाया गया था। इसको उस समय का सबसे बेस्ट क्रिएशन माना जाता है, रचना माना जाता है चोलाओं की। गोपुरम स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज डेवलप्ड इन दिस पीरियड। जो गोपुरम स्टाइल है उसको भी इसी स्थापत्य कला के दौरान डेवलप किया गया, इन्हीं के शासन के दौरान डेवलप किया गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोसाइटी ड्यूरिंग द चोला पीरियड। चोला किंग वर द फॉलोअर्स ऑफ सैव सेक्ट। चोला किंग सैव संप्रदाय के मानने वाले थे। इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रॉयल किंग, जो शाही राजा के दरबार के कुछ रिकॉर्ड्स होते थे, ऑफ रॉयल किंग्स परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेघ यज्ञ हैज आल्सो बीन मेंशनड। तो शाही दरबार के कुछ रिकॉर्ड्स प्राप्त हुए हैं, उससे ज्ञात होता है कि उस समय के जो लोग थे, चोला वंश के राजा हुए हैं, उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी करवाए हैं, उनका उल्लेख मिलता है। वुमेन यूज टू बी प्रॉपर्टी ओनर्स, महिलाओं को भी प्रॉपर्टी में अधिकार हुआ करता था। दास एंड देवदासी सिस्टम वर आल्सो प्रिवलेंट। दास और देवदासी की भी प्रथा उस समय विद्यमान थी। दिस इज अबाउट द चोला डायनेस्टी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पल्लव डायनेस्टी। रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी रूल्ड द प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट ऑफ एयरकोट मद्रास। वर्तमान समय में जो एयरकोट मद्रास का क्षेत्र है, तो इस वंश के शासकों ने इन क्षेत्रों में शासन किया, तिरुचिरापल्ली एंड तंजौर। मिस मद्रास, एयरकोट, तिरुचिरापल्ली एंड तंजौर, वर्तमान समय में जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में इस वंश के लोगों ने शासन किया, राज किया। इन द इंस्क्रिप्शंस द मेंशन फर्स्ट पल्लव किंग विष्णुगुप्त ऑफ कांची। जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें, शिलालेखों में, जो इसका पहला राजा पल्लव वंश का हुआ है विष्णु गोप कांची, इसका उल्लेख मिलता है। सिंह विष्णु असेंडेड द थ्रोन इन द सेकेंड हाफ ऑफ सिक्स सेंचुरी। सिंह विष्णु हुआ है उसने लगभग छठी शताब्दी के मध्य में हाफ सिंहासन ग्रहण किया। आफ्टर दैट द पल्लव रूल्ड फॉर अबाउट टू सेंचुरीज। उसके बाद लगभग टू सेंचुरीज तक पल्लवों ने शासन किया, राज किया। मेजर पल्लव किंग इंक्लूडेड। पल्लव वंश के कुछ मुख्य राजा हुए कौन कौन से हैं? महेंद्र वर्मन फर्स्ट अराउंड 600 टू 625। पल्लव वंश के जो कुछ फेमस लोकप्रिय राजा हुए हैं उनमें महेंद्र वर्मन फर्स्ट अराउंड 600 टू 625, अर्शिम वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन फर्स्ट, नंदी वर्मन द्वितीय एंड अपराजित। ये कुछ लोकप्रिय फेमस राजा हुए हैं पल्लव वंश के। महेंद्र वर्मन वाज आर्किटेक्ट। महेंद्र वर्मन कौन था? वास्तु निर्माता था, आर्किटेक्ट था। ही बिल्ट मैनी टेम्पल्स ऑफ कार्व्ड स्टोन। उसने बहुत सारे मंदिर पत्थरों को काट के, तराश के कार्व्ड स्टोन से बनवाए। महेंद्र वर्मन फर्स्ट आल्सो रोट अ प्ले नेम्ड मताविलाशा प्रसन्ना। उन्होंने एक नाटक भी लिखा है, प्रहसन भी लिखा है, मत्तविलाश एक प्रहसन है ये। ही आल्सो गोल्ड डग अ महेंद्र पौंड, और उसने एक तालाब भी खुलवाया जिसका नाम है महेंद्र पौंड। ही वॉज डिफीटेड बाई चालुक्य किंग पुलाकेशिन द्वितीय, और महेंद्र वर्मन को चालुक्य के राजा पुलाकेशिन द्वितीय ने हराया अराउंड 610 एडी में, लगभग 610 ईस्वी के आसपास। महेंद्राज सन एंड सक्सेसर नरसिंह वर्मन
जिसको महामल्ला भी कहते हैं, डिफीटेड पुलाकेशिन द्वितीय इन 642 AD एंड ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल वतापी। बाद में जो महेंद्र वर्मन का पुत्र हुआ है नरसिंह वर्मन, उसने पुलाकेशिन द्वितीय को 642 AD में हरा दिया एंड ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल वतापी, और जो उसकी राजधानी वतापी हुआ करती थी उसको वापस ले लिया। बट चालुक्याज टुक रेवेंज, लेकिन जो चालुक्य थे उन्होंने इसका बदला लिया ऑफ दियर डिफीट इन 655। उन्होंने अपनी इस हार का बदला 655 AD में ईस्वी में ले लिया। चालुक्य किंग विक्रमादित्य फर्स्ट डिफीटेड द पल्लव किंग परमेश्वर वर्मन। चालुक्य के राजा विक्रमादित्य ने पल्लव के राजा परमेश्वर वर्मन को हराया एंड ऑक्यूपाइड हिज कैपिटल कांची, और कांची जो कैपिटल हुआ करती थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया। द प्रोसीडिंग्स पल्लव रूलर्स एस्टेब्लिश अ टाउन। पल्लवों की इस बढ़ती हुई ताकत ने एक कस्बे का निर्माण किया, एक कस्बे को बसाया जिसका नाम था महामल्लपुरम या महाबलीपुरम। एंड बिल्ट 5 चैरियट टेम्पल्स ओवर हेयर देयर, और यही 5 रथ वाले मंदिर भी बनवाए। हेयर रॉक कट स्टैचूज हैव बीन कर्व्ड, यहाँ चट्टानों को काट के मूर्तियाँ भी बनाई गई। पल्लव रूलर्स बिल्ट टेम्पल इन कांची टू, पल्लव के शासकों ने कांची में भी मंदिर बनवाए। सम ऑफ द पल्लवाज रूलर वर वर्शिपर ऑफ विष्णु वाइल अदर वर्शिप्ड शिवा। जो पल्लव शासक हुए हैं कुछ विष्णु के उपासक थे और कुछ शिव के उपासक हुआ करते थे। दिस इज अबाउट पल्लव डायनेस्टी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य किंग पुलाकेशिन फर्स्ट, चालुक्य किंग हुए हैं पुलाकेशिन फर्स्ट, हैड परफॉर्म अश्वमेघ यज्ञ। उन्होंने क्या कराया? अश्वमेघ यज्ञ कराया। चालुक्याज ऑफ वतापी रूल्ड फ्रॉम 550 AD टू 757 AD। जो वतापी के चालुक हैं उन्होंने 550 से लेकर 757 AD तक राज किया, शासन चलाया, एक्सक्लूडिंग 13 ईयर्स फ्रॉम 642 टू 655 AD। इन जो बीच के साल हैं इनको भी इसमें शामिल करते हुए कुल। एमोंग द चालुक्याज रूलर द फोर्थ किंग, जो चालुक्य शासक हुए हैं इन्हीं में से इनके जो फोर्थ चौथे राजा हुए पुलाकेशिन द्वितीय, वॉज द मोस्ट फेमस रूलर, ये बहुत ही फेमस प्रख्यात राजा हुए हैं। ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन इन 608 AD। इन्होंने सिंहासन 608 AD में ग्रहण किया। हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर नर्मदा इन नॉर्थ। उनका साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था? उत्तर में नर्मदा टू कावेरी इन द साउथ, नर्मदा से लेके उत्तर में दक्षिण तक कावेरी तक फैला हुआ था। ही वॉज डिफीटेड बाई पल्लव किंग नरसिंह वर्मन, और उनको पल्लव के राजा नरसिंह वर्मन ने हराया इन 640 AD में। पुलाकेशिन सन विक्रमादित्य सेकेंड री एस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ द चालुक्य। पुलाकेशिन का जो पुत्र हुआ है विक्रमादित्य द्वितीय, इसने दोबारा से अपनी ग्लोरी अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर लिया। चालुक्य की जो प्रतिष्ठा थी उसको दोबारा से स्थापित कर लिया। चालुक्य किंग विक्रमादित्य द्वितीय, चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय डिफीटेड द राजकुटा किंग इन 973। राजकुटा जो राजा हुए हैं उनको 973 में हराया एंड फाउंडेड द न्यू चालुक्य डायनेस्टी बाई मेकिंग कल्याणी हिज कैपिटल, और एक नए चालुक्य वंश की स्थापना की कल्याणी को अपनी राजधानी बना के। दिस डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 973 AD टू 1200 AD। द चालुक्य किंगडम ऑफ कल्याणी रिमेंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद चोला रूलर्स, और जो कल्याणी के चालुक्य शासक थे, चालुक्य किंगडम ऑफ कल्याणी रिमेंड इन कॉन्फ्लिक्ट विद चोला रूलर्स, इनका निरंतर चोला के शासकों साथ क्या होता रहता था? झगड़ा। फॉर ए लॉन्ग
फॉर ए लॉन्ग टाइम। तिनका जो चोला के वंश के राजा थे, शासक थे, उनसे बहुत लंबे समय तक चालुक्यों का युद्ध संघर्ष चलता रहा। चोला किंग राजाधिराज डिफीटेड सत्यश्रेय और चालुक्य किंग। चोला राजा राजाधिराज ने जो सत्यश्रेय राजा हुआ है चालुक्य वंश का, उसको परास्त किया, उसको पराजित कर दिया। बट सोमेश्वर फर्स्ट, लेकिन सोमेश्वर प्रथम ने एवेंज दिस डिफीट, इस हार का बदला ले लिया बाय नॉट ओनली डिफीटिंग द चोला किंग राजाधिराज। उसने सिर्फ जो चोला राजा राजाधिराज को हराया ही नहीं इन द बैटल ऑफ कोट्टम, कोप्पम के युद्ध में, बट आल्सो असेसिनेटेड राजाधिराज इन दिस बैटल। बल्कि इस युद्ध में उसने राजाधिराज की हत्या भी कर दी। द सेवेंथ किंग विक्रमादित्य सेवेंथ, जो सातवां राजा हुआ है विक्रमादित्य सेवेंथ, हु वॉज फेमस बाई द नेम ऑफ विक्रमंका, जो विक्रमंका के नाम से प्रसिद्ध हुआ है, लोकप्रिय हुआ है। अकुपाइड कांची एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रेनोड पोएट विलहना। डेस्पाइट बींग हिंदू, हिंदू होने के बावजूद द चालुक्य किंग ऑफ बतापी एंड कल्याणी गे पैटो ने सुधा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी संरक्षण दिया। द चालुक्य किंग बिल्ट मैनी टेम्पल्स, चालुक्य किंग ने बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण कराया। फेमस जूरिस्ट विजनेश्वरा, हु हैड कंपोज्ड द मिताक्षरा इंटरप्रिटेशन ऑफ याज्ञवल्क्य स्मृति, लिव्ड इन कल्याणी विच वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्याज। ओके, एक फेमस जूरिस्ट हुए, नेम इज विज्ञानेश्वरा, हु हैड कंपोज्ड मिताक्षरा, जिन्होंने मिताक्षरा को कंपोज किया है। मिताक्षरा क्या है? एक इंटरप्रिटेशन है, व्याख्या है ऑफ याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या है। ये कहाँ रहा करते थे? लिव्ड इन कल्याणी विच वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास। ठीक है, तो जो फेमस जूरिस्ट हुए हैं, फेमस लेखक हुए हैं विज्ञानेश्वर, ये चालुक्यास की जो कैपिटल थी, ठीक है, कल्याणी, यहाँ रहा करते थे। मिताक्षरा इज रिगार्डेड एज एन ऑफिशियल बुक ऑफ हिंदू लॉज, जो मिताक्षरा बुक थी उसको हिंदू लॉज की एक नियम कानून की किताब, नियम कानून का ग्रंथ माना जाता था। एक्सटर्नल इन्वेजन एंड एसिमिलेशन सकाज उड़ाज एंड कुशाण, शक वॉज अ वेरियर ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया विच हैड ऑक्यूपाइज द इंटायर रीजन ऑफ वेस्टर्न अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। शक कौन हुआ करते थे? एक वॉरियर, लड़ाकू जनजाति हुआ करती थी, और उसने कहाँ कहाँ अधिकार कर लिया था? सेंट्रल एशिया, विच वॉज ऑक्यूपाइड, ये सेंट्रल एशिया की लड़ाकू जनजाति हुआ करती थी, और इसने कहाँ कहाँ कब्जा कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया? वेस्टर्न अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। फ्रॉम हेयर द सकास केम टू इंडिया, और यहीं से वो भारत आए, थ्रू बोलन पास, जो बोलन दर्रा है, बोलन पास है, यहीं से शक भारत में आए। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम बोलन पास, इन अराउंड 71 AD, नियर अबाउट 71 AD के आसपास। इन द रामायण एंड द महाभारता शका कॉलोनीज हैव बीन मेंशनड, रामायण और महाभारत में शक कॉलोनी, जो शकों की कॉलोनियाँ हुआ करती थी, उनका उल्लेख मिलता है। एलोंग विद द कंबोज एंड यवराज, ठीक है, इनके साथ साथ कंबोज और यवड़ों का भी उल्लेख मिलता है। इन द राइटिंग ऑफ कालकाचार्य, इन्वेजन ऑफ शकाज ऑफ इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड, जो कालकाचार्य की राइटिंग्स है, कथानक के अनुसार जो कालकाचार्य जी ने लिखा है, उनके अनुसार इन्वेजन ऑफ शकाज ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, उसमें भी शकों के इन्वेजन को डिस्क्राइब किया गया है। एंड दे हैव बीन एड्रेस्ड एज शगाकुल या शक क्लेन, और उसमें उनको क्या बताया गया है? शगाकुल और शक क्लेन, ऐसा कहा गया है। दे एस्टेब्लिश द शक रूल
इन सौराष्ट्र, बाई ऑक्यूपाइंग इंडस रीजन। इंडस रीजन को ऑक्यूपाई करके वहीं उन्होंने शक रूल की स्थापना की। इट इज क्लियर फ्रॉम द एक्सवेटेड कॉइन्स एंड एडिक्ट्स दैट वन ऑफ दियर ब्रांच एस्टेब्लिश्ड इट्स डोमिनेशन इन उत्तरपथ एंड मथुरा अलॉन्ग विद लैप्स ऑफ टाइम दे स्प्रेड अवंती सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र। कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि इनकी जो ब्रांच थी वो कहाँ थी, उत्तरपथ, मथुरा। और जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ इन्होंने कहाँ कहाँ अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अवंती सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र। माविज एंड अजीज हैव बीन अमॉन्ग द सका रूलर ऑफ तक्षशिला। ये शक शासक हुए हैं तक्षशिला के शासकों में से। द शका पावर वॉज डिमोलिश्ड बाई पल्लव इन तक्षशिला। तक्षशिला में शकों की जो शक्ति का हास है, नुकसान है, वो किसके द्वारा किया गया, पल्लवों के द्वारा। हम्माम्स एंड हगान वर द इनिशियल सका क्षत्रप ऑफ मथुरा। सिंह शीर्षक इनक्रिप्शंस ऑब्टेन फ्रॉम मथुरा। ये लेख है सिंह शीर्षक, ये कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, मथुरा से। द लेटर शक किंग रजबुल हैज़ बीन कॉल्ड महाक्षत्रप। और इन्हीं लेखों में जो बाद में शक वंश का राजा हुआ है रजबुल, इसे महाक्षत्रप कहा गया है। द शक ऑफ मथुरा हैड एक्सपेंडेड दियर एम्पायर अप टू ईस्टर्न पंजाब। मथुरा के जो शक थे उन्होंने अपना साम्राज्य कहाँ तक विस्तार कर लिया, एक्सपेंडेड दियर एम्पायर अप टू ईस्टर्न पंजाब, पूर्वी पंजाब तक। द कुषाण डिमोलिश द शका पावर इन मथुरा। कुषाणों ने मथुरा के जो शक थे उनकी पावर को डिमोलिश कर दिया, ठीक है। और तक्षशिला की पावर जो थी वो पल्लवों ने डिमोलिश कर दी, और मथुरा के शकों की पावर कुषाणों ने डिमोलिश कर दी। टू रूलर्स ऑफ सहरत डायनेस्टी ऑफ द सकाज नेमली भूमक एंड नहपन आर फेमस। दीज सका रूलर्स एनेक्स सेवरल रीजन्स फ्राम द सतवहंस। ये जो शक शासक थे इन्होंने जो सतवहन वंश के शासक थे उनसे बहुत सारा क्षेत्र जीत लिया, स्नेच्ड, एनेक्स्ड, कब्जा कर लिया। एंड दे एस्टेब्लिश दियर रूल इन महाराष्ट्र, काठियावाड़ एंड गुजरात। और उन्होंने अपने शासन का विस्तार यहाँ तक कर लिया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ नहपन, जिस समय नहपन राजा हुआ करते थे, इंडिया हैड कॉर्डियल ट्रेड रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज। उस समय भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिमी देशों से हुआ करते थे, वेस्टर्न कंट्रीज। इट इज एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्लेस कॉल जोगलथम्बी। एक स्थान है जोगलथम्बी, यहाँ से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। इनसे ज्ञात होता है दैट नहपन वॉज डिफीटेड बाई गौतमी पुत्र सतकर्णी, कि नहपन को गौतमी पुत्र सतकर्णी ने पराजित किया। इन नासिक इंस्पिरेक्शन गौतमी पुत्र सतकर्णी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ शहरत डायनेस्टी। और नासिक में जो लेख मिले हैं उससे ये बताया जाता है, उससे ज्ञात होता है कि शहरत डायनेस्टी का जो डिस्ट्रॉयर है, नष्ट करने वाला है, वो गौतमी पुत्र सतकर्णी को ही माना जाता है। किंग चेस्टन हु एस्टेब्लिश द शक डायनेस्टी इन उज्जैनी। एक और राजा हुआ है चेस्टन, उसने शकों के वंश को कहाँ तक स्थापित किया, उज्जैन तक। इज मेंशन्ड अमंग द सकाज रूलर, उसका भी उल्लेख जो भी शक शासक हुए हैं उसमें मिलता है, ऑफ उज्जैनी एंड काठियावाड़। इन दियर एडिक्ट्स एंड क्वाइंस, अपने
सिक्कों में एडिक्ट्स में द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी यूज्ड द सगैरा। चेस्टन्स ग्रैंडसन रुद्र दमन, चेस्टन का ग्रैंडसन हुआ है रुद्रबन, वॉज एन इम्पॉर्टेंट रूलर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट शासक था। वी फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम फ्राम जूनागढ़ इनस्क्रिप्शंस, और इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, जूनागढ़ के अभिलेखों से। रुद्र दमन एम्पायर एक्सपेंडेड अप टू ईस्ट वेस्ट मालवा द्वारका जूनागढ़ साबरमती रिवर मारवाड़ इंडस वैली नॉर्दर्न कोंकण एंड विंध्या माउंटेन रेंज। रुद्र दमन का शासन इतना विशाल यहाँ तक फैला हुआ था इन क्षेत्रों में, ईस्टर्न वेस्टर्न मालवा द्वारका जूनागढ़ साबरमती रिवर मारवाड़ इंडस वैली नॉर्दर्न कोंकण एंड विंध्या माउंटेन रेंज। इट इज एविडेंट फ्रॉम द एक्सकवेटेड कॉइंस दैट चेस्टन्स डायनेस्टी एंडेड इन 305। और जो सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे ज्ञात होता है कि चेस्टन वंश का जो अंत है वो 305 एडी में ही क्या हो गया, फिनिश हो गया, समाप्त हो गया। हूण, हूण वाज अ बारबेरिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया, एक ही बहुत ही बर्बर जाति हुआ करती थी, कहाँ की, मध्य एशिया की, बारबेरिक ट्राइब, जस्ट लाइक द सकाज, जैसे शक हुआ करते थे। इंटर्ड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ये भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ से इन्होंने प्रवेश किया। देवर आल्सो कॉल्ड दैत्याज, इनको दैत्य भी कहा जाता था। फर्स्ट द इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ स्कंदगुप्त, पहली बार इन्होंने जिस समय स्कंदगुप्त शासक हुआ करता था उस समय भारत में आक्रमण किया, इन अराउंड 458 एडी। मीन्स हुड़ों ने भारत में फर्स्ट टाइम कब आक्रमण किया, ड्यूरिंग द राइन ऑफ स्कंदगुप्त इन 458 एडी एंड वर डिफीटेड, और इनको हार का सामना करना पड़ा। आफ्टर सम टाइम अ चीफ नेम्ड तोरमाना, कुछ समय के बाद इनका एक मुखिया हुआ करता था सरदार जिसका नाम तोरमाना था, डिस्ट्रॉयड द गुप्ता एम्पायर, इसने गुप्ता एम्पायर को ख़त्म कर दिया, नाश कर दिया, एंड गेन और हासिल किया। गुप्ता साम्राज्य का अंत करके इसने एक टाइटल प्राप्त किया, एक उपाधि प्राप्त की, कौन सी, महाराजा धीराज, और इसको क्या मिला, बाय गेनिंग कंट्रोल ऑन पंजाब राजपुताना सिंध एंड मालवा, इन क्षेत्रों को उसने गुप्ता वंश से ले लिया। तोरमाना सन मिहिरकाल्स, मिहिराकुल से तोरमान का एक पुत्र हुआ है मिहिराकुल। राइन बिगेन फ्रॉम 510 एडी, इसका शासन 510 एडी में शुरू हुआ, एंड सियालकोट वाज हिज कैपिटल, और इसकी कैपिटल सियालकोट हुआ करती थी। माहिराकुल हेटेड द बुद्धिस्ट भिक्षुज, माहिराकुल को जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत थी, बहुत ही हेट करता था। ही डिस्ट्रॉयड वेरियस मोनेस्ट्रीज एंड स्टूपाज, उसने बहुत सारे उनके जो स्तूप थे मठ थे उनको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मालवा किंग यशोधर्मन डिफीटेड हिम, मालवा के एक राजा हुए हैं यशोधर्मन, उन्होंने मेहराकुल को पराजित कर दिया, हरा दिया। आफ्टर हिज डिफीट ही वेंट टू कश्मीर एंड एस्टेब्लिश हिज एम्पायर देयर, अपनी हार के बाद वो कश्मीर चला गया और वहाँ अपने साम्राज्य की स्थापना की। आफ्टर द इन्वेजन ऑफ हुणाज, हुणों के आक्रमण के बाद द गुप्ता एम्पायर केम टू एन एंड एंड द पोलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया एंडेड, हुणों के आक्रमण के बाद गुप्ता साम्राज्य का पतन हो गया और भारत की जो पोलिटिकल यूनिटी थी वो भी समाप्त हो गई। द कंट्री वॉज अगेन डिवाइडेड इन टू स्मॉल पार्ट्स, जो देश था दोबारा से छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। कुषाण डायनेस्टी, कुषाण आर आल्सो नोन एज यहूजीज, कुषाणों को यहूजी भी कहा जाता है, और तो चैरियन भी कहा जाता है। कुषाण जो वंश के राजा हुए हैं तो कुषाण वंश के राजाओं को यहूजी या तो चैरियन भी कहा जाता है। यहूजी ट्राइब्स वॉज डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स,
यूजी टाइप्स को 5 भागों में बांटा गया था। वन ऑफ दिस टाइप्स रूल्ड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, इन्हीं 5 ट्राइब्स में जो बांटा गया था, इन्हीं में से किसी एक ट्राइब ने भारत के एक हिस्से में राज किया, शासन किया। खुजल कड़फिश फर्स्ट 1582-65 AD, ही इस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ हिज टाइप, उसने अपने वंश की जो ग्लोरी थी उसका संस्थापक माना जाता है इसे। ही मर्ज्ड साउदर्न अफगानिस्तान, काबुल, कांधार एंड पार्ट ऑफ पर्थिया इन हिज एम्पायर, उसने इन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ही ऑल्सो अडॉप्टेड वैदिक रिलीजन, और उसने जो वैदिक धर्म था उसको भी स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट वन इज वीमा कड़फिस 65 AD-75 AD, ही रूल्ड लार्जर पार्ट ऑफ इंडिया, उसने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पे शासन किया, राज किया। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ शैव सेक्ट, और वो शैव संप्रदाय का मानने वाला था। ऑन सम ऑफ हिज क्वाइंस इमेजेस ऑफ त्रिभुज त्रिशूलधारी या व्याघ्र चर्मगर्ही या प्रोटेक्टर ऑफ नंदी एंड लॉर्ड शिवा हैव बीन इंस्क्राइब्ड, ही सर्कुलेटेड गोल्ड क्वाइंस इन हिज नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। पहली बार जो वीमा कड़फिस हुआ है उसने भारत में अपने नाम से फर्स्ट टाइम इन इंडिया गोल्ड क्वाइंस इन हिज नेम, पहली बार उसने भारत में अपने नाम से सोने के सिक्के चलाए, किसने? वीमा कड़फिस ने। ओके, इन दिस मैप यू कैन सी फ्रॉम वेयर द राजकोटा गुर्जर प्रतिहारा एंड चूला या पांडे डायनेस्टी, दिस वन इज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, दिस क्षेत्र वॉज ऑक्युपाइड बाई हिम, गुर्जर प्रतिहार। आई टोल्ड यू इनका स्टार्टिंग हुआ है वो यहाँ से हुआ था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? गुजरात से। दैट इज वाई दिस डायनेस्टी इज नोन एज गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। दिस इज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, इनका जो साम्राज्य है इन क्षेत्रों में फैला हुआ था। एंड दिस इज चोला, पांड्या एंड चेरा, ये साउदर्न आपने पढ़ा दक्षिण पथ को ही 3 हिस्सों में बांटा गया था, चोला, चेर, पांड्याज। ओके, तो ये एम्पायर का विस्तार था, एक्सटेंशन था। एंड दिस वॉज द एम्पायर ऑफ पल्लवाज, दिस वन, दिस इज द एम्पायर ऑफ पल्लवाज, दिस इज द कैपिटल कांची, आई टोल्ड यू